नमस्कार दोस्तों, A2 स्पोर्ट्स क्रिकेट पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम पंजाब किंग्स की एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन बड़ी अपडेट लेकर आए हैं। IPL 2024 ऑक्शन से ठीक पहले पंजाब किंग्स के ओनर का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि पंजाब किंग्स में कई तरह के नए बदलाव किए जा रहे हैं और आने वाले समय में पंजाब किंग्स बड़ी ताकत बनकर आएगी। तो दोस्तों IPL 2024 से पहले PBKS में क्या बड़े बदलाव होने जा रहे हैं जिसके बाद पंजाब किंग्स चेन्नई और मुंबई की तरह बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन लगातार कर सके। आखिरकार PBKS के ओनर ने क्या कुछ कहा है इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इसके साथ ही पंजाब किंग्स को लेकर दूसरी अपडेट ये रहने वाली है कि IPL 2024 में पंजाब किंग्स का कप्तान कौन होगा, क्या शिखर धवन ही पंजाब के कप्तान होंगे या टीम कप्तानी में बदलाव करने जा रही है, ये भी अब बिल्कुल साफ हो चुका है। इसके साथ ही दोस्तों शाहरुख खान को लेकर भी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, क्या शाहरुख खान फिर से पंजाब किंग्स का हिस्सा होंगे। इस वीडियो में ये सब कुछ आपको बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही दोस्तों आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। दोस्तों पंजाब ने हाल ही में अपने कोचिंग स्टाफ में पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय बांगर को जोड़ा है। आप सब जानते हो संजय बांगर को हेड ऑफ क्रिकेट डेवलपमेंट बनाया गया है, जहां संजय बांगर हेड कोच ट्रेवर बेलिस के साथ मिलकर काम करेंगे। IPL मिनी ऑक्शन से पहले पंजाब किंग्स का ये बड़ा फैसला है। पंजाब किंग्स के सह मालिक नेस वाडिया ने बताया कि संजय बांगर को लेकर आना सभी का फैसला था, सब ने इस फैसले का स्वागत किया है क्योंकि वो पहले भी हमारे साथ रह चुके हैं और टीम इंडिया और बेंगलोर के साथ भी रह चुके हैं, उनके पास क्रिकेट का लंबा अनुभव है। आगे उन्होंने कहा कि वे अपना बहुत सारा एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं जो कि कोच ट्रेवर बेलिस, शिखर धवन और पूरी टीम के साथ मिलकर काम करेंगे और आप देखोगे कि कई तरह के बदलाव किए जा रहे हैं और आने वाले समय में पंजाब किंग्स एक ताकत बन जाएगी। दोस्तों PBKS का सबसे अच्छा सीजन 2014 रहा था, जहां टीम संजय बांगर के ही नेतृत्व में IPL के फाइनल में पहुंची थी। अब एक बार फिर उनकी PBKS में वापसी हुई है। इसके बाद दोस्तों दूसरी बड़ी अपडेट ये है कि पंजाब किंग्स IPL 2024 में अपना कप्तान नहीं बदलना चाहती है। एक बार फिर शिखर धवन हमें कप्तानी करते दिखाई देंगे। टीम ने इस बार अपने कोर प्लेयर्स को रिटेन करके ये दिखा दिया कि टीम मैनेजमेंट इस बार अपने प्लेयर्स पर पूरा भरोसा रखेगी, जो कि एक बड़ा बदलाव हम PBKS की रणनीति में देख रहे हैं। वरना दोस्तों पंजाब किंग्स हर साल अपने बड़े प्लेयर्स को रिलीज करने में सबसे आगे रहती है, इस बार उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ शाहरुख खान को जरूर टीम ने रिलीज किया है और अब दोस्तों शाहरुख खान को लेकर भी बड़ी अपडेट है कि शाहरुख खान को रिलीज करने से पहले चेन्नई ने ट्रेड में अपना इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन दोस्तों पंजाब किंग्स ने इस ट्रेड को बिल्कुल मना कर दिया। इसके बाद फिर पंजाब ने शाहरुख खान को रिलीज भी कर दिया। इसका मतलब साफ है कि दोस्तों पंजाब किंग्स इतने आसानी से शाहरुख खान को जाने नहीं देगी और IPL 2024 मिनी ऑक्शन में इस खिलाड़ी को एक बार फिर टारगेट करती दिखाई देगी और हो सकता है कि एक बार फिर शाहरुख खान पंजाब किंग्स से खेलते दिखाई दे, क्योंकि टीम मैनेजमेंट जानती है उनके जैसा बड़ा भारतीय नाम ऑक्शन में दूसरा नहीं होगा जो फिनिशर की भूमिका निभा सके। इसलिए मुझे लगता है कि शाहरुख खान IPL 2024 में पंजाब किंग्स से ही खेलते दिखाई दे सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है। वैसे दोस्तों आप सबका क्या मानना है कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।